डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय वस्तु है आरआरबी जेई 2019 संपूर्ण तैयारी कैसे। तो आप में से बहुत कोई है किस एग्जाम को देने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो मैं छोटा सा सवाल उठाया है आप लोगों के लिए। दो मिनट के लिए रुक के हम सोचें कि तैयारी कैसे होनी चाहिए, और इस तैयारी में मैं आपको 100% फ्री मददगार कैसे बन सकता हूं। जब भी कोई आदमी कहता है ना कि मैं 100% फ्री मददगार बनूंगा, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, आपके भी दिमाग में आए होंगे, जो लाजमी है, ये कहीं गलत नहीं है। आज के व्यवहारिक दुनिया में कहीं ना कहीं किसी का तो कोई इंटरेस्ट है। चलिए इन बातों को भूल के एक तैयारी जो आपके जीवन में सार्थकता ला सकता है उसके ऊपर कंसेंट्रेट करते हैं। तो देखिए, अभी डिस्क्रिप्शन पे एक आपका ऐप का लिंक दिया हुआ है आपके आरआरबी जेई 2019 की तैयारी के लिए। ये ऐप को लेके मैं पिछले 7-8 या 10 दिन बोलिए बार बार बोलता हूं, और ये है कि किसी भी तैयारी के लिए एक बहुत बड़ी अस्त्र के रूप में, बहुत बड़े मददगार के रूप में आपको साथ दे सकता है। तो ये ऐप अगर आपके पास है तो भी आप इसे देखें, ये 100% फ्री है, और अगर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से जरूर इसे इंस्टॉल कर लें। लेकिन चलिए, ये ऐप आपको कैसे मदद करेगा आपके ड्रीम लैंड तक पहुंचाने के लिए, उस पर एक नजर डालते हैं। तो जैसे ही आप ऐप को खोलेंगे, अगर आपके पास ऐप है और 6-7 दिन पहले आपने इंस्टॉल किया है, तो फिर ये स्टडी प्लान आपको नहीं दिखेगा। तो आपको ऐप को देखेंगे, ऊपर अपडेट करके लिखा हुआ है, डीडी ऐप के ऊपर अपडेट लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करके आपको अपडेट करना होगा, तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और अगर है या आप अभी इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी इंस्टॉल करेंगे तो अपडेट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अपडेट होके ही आएगा। तो चलिए, आप पहले क्या करेंगे, अगर आरआरबी की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक देखिए नया विंडो है, इसमें हर एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सारी समस्याओं का आपके समाधान करने के लिए इसको मैंने आपके लिए बनाया है। और याद रखेंगे, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, तो आपकी जरूरत को मैं आशा करता हूं कि भली भांति समझता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, आपका ये ऐप खुलेगा। खुलने के बाद देखेंगे, अब इसमें बहुत सारा हो रहा है, जैसे आरआरबी जेई है, इस एग्जाम के बारे में, इसकी तैयारी के लिए देखिए स्टडी प्लान है, तो इसके करेंगे तो इसको अभी रहने देते हैं, थोड़ा और भी देख लेते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेशल ऑफिसर्स का है, उनके यहाँ पे सब कुछ है, जो यूपीएससी एनडीए या एनएआई की तैयारी कर रहे हैं, नेवल एकेडमी का, उनका भी यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के जो 1007 पोस्ट आए हैं स्टेनोग्राफर आदर्श का, उसका यहाँ दिया हुआ है। झारखंड एसएससी कांस्टेबल की जो अभी आया हुआ है, उसका भी स्टडी प्लानिंग दिया हुआ है। ये स्टडी प्लानिंग क्या है? क्या ये दूसरों की तरह स्टडी प्लानिंग है जिसका कोई अर्थ नहीं है, या बहुत सारे अर्थ है? तो चलिए, अगले 2-3 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके ही विषय वस्तु को लेके, आरआरबी जेई को लेके हम शुरू करते हैं। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो फिर आप दूसरे एक विंडो में चले जाएंगे। सबसे पहले है कि इस एग्जाम के बारे में सब कुछ आपको पहले जानना जरूरी होता है। तो नेचुरली इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पे सारे चीज हिंदी में लिखे हुए हैं, जिससे आपको पता चलता है कि क्या क्या है। यहां पे डेट दिए हुए हैं, देखिए ये तैयारी का एक हिस्सा है। जैसे 2 जनवरी से 31 जनवरी तक फॉर्म
रजिस्ट्रेशन का डेट है 4 फरवरी को, पेमेंट का लास्ट डेट है, और एग्जाम का टेंटेटिव डेट अप्रैल या मई को होने वाला है। एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या विषय वस्तु होंगे, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का होगा, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, ये सब मिला के 100 मार्क्स का होगा। देखिए ये तो एक होना चाहिए और ये आपके ऐप में है, जब भी आपको इसमें कोई दिमाग में सवाल हो तो तुरंत आप उसे देख के अपने सवालों को से आप ये कर सकें, जवाब पा सकें। जैसे मैथमेटिक्स का लेके चलते हैं, देखिए मैथमेटिक्स में 22 चैप्टर के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है ना, इसको अलग से मैंने किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये 22 चैप्टर की बात की है। हमें अगर प्लानिंग पढ़ने की प्लानिंग करनी है तो हमें पढ़ना कितना है ये तो पहले हमें जानना होगा, उसी के हिसाब से प्लानिंग होती है। प्लानिंग में का मतलब क्या होता है कि सप्ताह की प्लानिंग, क्योंकि अगर हमें किसी जंग को जीतना है तो ऐसे ही आंख बंद करके नहीं हो सकता है, एक प्रॉपर तैयारी की प्लानिंग के साथ होता है। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये सारे चीज यहाँ पे दिए हुए हैं, आपकी एडुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें एक बात की बात बोलना चाहूंगा, जेई का मतलब है कि केवल आपकी बीई या डिप्लोमा नहीं, अगर आप में से कोई साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री लेके 45% मार्क्स में लेके किए हुए हैं तो यहाँ केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट का पद के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इन चीजों को देखते हुए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेलवे की नोटिफिकेशन दिया हुआ है, अगर आप इन चीजों को संपूर्ण रूप से खुद देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, टोटल रेल की नोटिफिकेशन आ जाएगी, और फॉर्म को फिलअप करना है तो यहां से भी कर सकते हैं। अब जो ओरिजिनल मुद्दा है ये नीचे आता है स्टडी प्लानिंग के नाम पे, इसमें ही वही चीज है जो अभी हमने चर्चा में लाया है, कैसे तैयारी करें, साप्ताहिक प्लान क्या होगा, स्टडी मेटेरियल क्या होगा, प्रैक्टिस सेट क्या होगा, लाइव क्लास क्या होगा, और दिमाग से एक चीज को निकाल दें कि किसी पैसे की बात हो रही है यहां पर, यह 100% फ्री है। तो चलिए इसके अब हम साप्ताहिक प्लान को हम समझें, ये समझने के बाद ही आप समझ सकते हैं कि ये ऐप जो है कैसे आपको गाइड करते हुए आपको अपने आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। तो पहले इसको क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ी सी ये जो मैं बोलता हूं कंप्लीट साइंटिफिक प्रिपरेशन है, ये साइंटिफिक प्रिपरेशन क्यों है, क्योंकि आपको अगर मंजिल पता है कि कहां तक आपको जाना है और किस रास्ते से जाना है, तब केवल आपके पास पहुंचने के लिए एक ही बात होती है कि आपको चलना है। लेकिन अगर आपका मंजिल आपके सामने स्पष्ट नहीं है या रास्ते स्पष्ट नहीं है तो हर मोड़ पे आप खड़े होके 4 जन को पूछिएगा कि भैया उठ किधर जाना है, तो कभी आप पहुंच भी सकते हैं, नहीं भी पहुंच सकते हैं। तो किसी भी तैयारी के सबसे पहला जो बात होता है कि जाना कहाँ है, मंजिल की स्पष्टता होनी चाहिए, रास्ते की स्पष्टता होनी चाहिए, और इसी का नाम होता है तैयारी। तो चलिए पहले हम गणित के बारे में बात करते हैं। देखिए गणित की लिखा हुआ है गणित मैथमेटिक्स की तैयारी। तो गणित में देखिए यहां पे हमने इसको अनरिजर्व कैटेगरी का ले लिया है कि 40% हर इसमें आपको पास करना होगा, तो 30 मार्क्स का आपका गणित के सवाल आएंगे। देखिए यहाँ पे हम CBT 1 की बात कर रहे हैं, Stage 1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि CBT Stage 1 ही आप पास करेंगे तभी आप CBT 2 में जाएंगे। तो इसके लिए अभी जो इस एग्जाम की संपूर्ण तैयारी की बातें हो रही है वो पूरा का पूरा फोकस है CBT 1 या CBT Stage 1 की। तो 30 मार्क्स में देखिए 40% आना होगा, मतलब गणित में इस कंपटीशन में खड़ा रहने के लिए मिनिमम 12 मार्क्स चाहिए होंगे। नोटिफिकेशन में हमने आपको दिखाया है कि 22 चैप्टर है, लेकिन वास्तव में ये 32 चैप्टर है, 22 नहीं, 10 चैप्टर और है। क्यों है? क्योंकि जैसे क्षेत्रमिति के अंदर में एक ही चैप्टर उसमें बताया गया है, लेकिन क्षेत्रमिति के अंदर में आप जानते हैं त्रिभुज अलग हो जाता है, वृत्त अलग हो जाता है, पिरामिड वगैरह आ जाते हैं, तो ये बेसिकली 4 चैप्टर है। उसी तरह त्रिकोणमिति है, उसी तरह एलजेब्रा है। तो फिर ये हो गया कि ये 22 नहीं 32 चैप्टर होगा। अब 32 चैप्टर में कितने टाइप के सवाल को सीखना है, एक जगह तो ये भी है, क्योंकि आप अनंत की बात तो कर नहीं सकते हैं, कहीं पर तो चीजों को बांधना होगा। तो भैया हमने देखा कि कम से कम ये मेरा दृष्टिकोण है,
960 कम से कम होना चाहिए। अब 960 है और देखिए आज जनवरी महीने के 12 तारीख में आप खड़े हैं और हम पकड़ लेते हैं कि 15 सप्ताह की प्लान बनाते हैं। देखिए यहीं से शुरू हो जाता है, 15 सप्ताह की प्लान है, 4 सप्ते का तो एक महीना है, तो हम पकड़ लेते हैं कि 4 महीना से कम, एक महीना कम, क्योंकि अप्रैल या मई में होगी, मैं जानता हूं अप्रैल में नहीं होगी और मई में भी संभावना कम है, लेकिन हम 15 सप्ताह तो ले ही सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर 32 चैप्टर मोटा मोटी पकड़ते हैं तो प्रति सप्ताह हमें 2 चैप्टर कंप्लीट करना होगा। देखिए यहीं से चीजें हम क्लियरली कैलकुलेट करके हम चलना शुरू करते हैं, क्योंकि कोई भी तैयारी मिनिमम से मैक्सिमम होता है। मिनिमम में 960 सवाल है, उससे ज्यादा जितना कर सको और अच्छा है। तो पहले मिनिमम को तो पकड़े हम, मिनिमम से ही तो कोई चीज हो सकता है। तो प्रति सप्ताह 2 चैप्टर या हर दिन 10 गणित, क्योंकि हमने हर चैप्टर में मिनिमम 30 सवाल पकड़े हैं टाइप के, तो आप हर दिन के 10 सवाल। अब इसकी एक सप्ताह को कैसे सजाएंगे वो आपके ऊपर है, केवल गणित करने से तो होगा नहीं दोस्त। अब आते हैं रीजनिंग या तर्क शक्ति पे। अब देखिए आरआरबी जेई के सिलेबस में जो है, जो उनके उनके द्वारा दिया गया है, जिसका मैंने लिंक आपको जानबूझ के इसलिए दिया हुआ इस ऐप में ही है, जब भी आपको खुद इच्छा होता खुद भी देख ले। सामने तो मैंने उसका टेबल बना के दिया ही है, लेकिन ओरिजिनल जो है वहां पे दिया हुआ है। तो देखिए 16 चैप्टर की तैयारी की बात की है और ये 25 मार्क्स की है, और 40% मतलब कम से कम 10 मार्क्स तो लाना ही होगा। अब देखो 15 सप्ताह में 16 चैप्टर, तो हम दिमाग में पकड़ लेते हैं कि प्रति सप्ताह अगर एक चैप्टर करके सीखते हैं तो फिर हमारी रीजनिंग की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। देखिए जनरल अवेयरनेस की जो है अधिकतम मार्क्स 15 मार्क्स की है और जिसमें आपको 6 मार्क्स लाने होंगे। अब देखिए जनरल अवेयरनेस में दो अभी मुद्दा आ जाता है, जैसे करंट अफेयर्स जो है उसमें 7 या 8 मार्क्स के होंगे, और 7 या 8 मार्क्स जो होंगे वो इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र से पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब है करंट अफेयर्स खुद ब खुद इन 3 सब्जेक्टों के बराबर है, तो लोग करंट अफेयर्स के बारे में उतना ज्यादा संजीदा नहीं रहते हैं, जबकि मैं बोलूंगा इसमें भी संजीदा होने की काफी जरूरत है। देखिए मेरा जो करंट अफेयर्स दिया हुआ है वो हर दिन का 15 मिनट का समय है, और मैं मेरे ही करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए क्यों बोलता हूं, क्योंकि उसके साथ साप्ताहिक 1 घंटे का मॉक टेस्ट देने की पेपर रहता है। आप खुद समझें, अगर आप हर दिन कम से कम किसी भी आप करंट अफेयर्स में 12 घटनाएं होती है, 10 ही पकड़ लीजिए, तो एक सप्ताह में 70, महीने में 300, और 300 से 400 अगर एक महीने की होती है, तो अगर आपको 5 से 6 महीने की याद रखना है तो फिर कितना हो जाएगा, 1800 से 2000। किसी भी और करंट अफेयर्स के साथ, ये मैं फ्री की बात कर रहा हूं, ये भी 100% फ्री है, के साथ इस तरह का वीकली टेस्ट नहीं दिया रहता है। और अगर आप हर दिन 15 मिनट करके देखते हैं और सप्ताह का एक दिन 1 घंटे का टेस्ट दे देते हैं, तो फिर आपको परीक्षा के पहले रिविजन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मॉक टेस्ट के सहारे ही आपका रिविजन होता है, और जो भूल जाते हैं वो मॉक टेस्ट देने के बाद जो गलत हुए वही आप भूल गए थे, उसे एक बार फिर देख लेते हैं उसके ही फिट से। तो कहने का मतलब है कि ये तैयारी काफी जरूरी है। अब देखिए इतिहास की तैयारी करना होगा तो 3 सप्ताह चाहिए होता है 1 घंटे की पढ़ाई, वो भी मेरे WAT के तरीके से। उसी तरह भूगोल के लिए 2 सप्ताह और राजनीति शास्त्र के लिए 2 सप्ताह। तो कहने का मतलब है करंट अफेयर्स के लिए 15 मिनट हर दिन, और ये 3 जो सब्जेक्ट हैं इतिहास भूगोल और राजनीति शास्त्र, इसके लिए 7 सप्ताह की जरूरत होती है। देखिए यही तो एनालिसिस है, इसी एनालिसिस के बेसिस पे ही तो हम तैयारी की आगे बात करेंगे, तो इसको जान लेना थोड़ा जरूरी है। अब आते हैं जनरल साइंस की बात। देखिए जनरल साइंस में अधिकतम मार्क जो है 30 मार्क्स का है,
तो ये आपके मैथमेटिक्स की तरह ही हो गया 30 मार्क्स का, जिसमें लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान या लाइफ साइंस, और आपको 40% का मतलब है मिनिमम 12 मार्क्स लाने होंगे। अब देखिए, फिजिक्स की तैयारी के लिए एक घंटा, मेरी जो स्टाइल है 5 सप्ताह सही है। केमिस्ट्री के लिए आपको 1 घंटा करके देना होगा, 4 सप्ताह, जीव विज्ञान के लिए 6 सप्ताह। तो ये भी देखिए 15 सप्ताह में ये जनरल साइंस की संपूर्ण तैयारी हो जाती है। तो देखो, ये बोलने के लिए तो मैंने स्टेटिस्टिक्स डाल दिया, अब आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो मैंने लिखा है कि साप्ताहिक तैयारी, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहां पे सब कुछ दिया हुआ है, लोड होता हुआ जा रहा है, पहले सप्ताह का भी लोड हो रहा है। तो इसको अगर आगे आप देखते हैं, ये तैयारी कैसे, आप कभी नहीं बोल सकते किसी भी ऐप में, कहीं पर भी यह होता है। जी हाँ, मैं एकदम तरीके से बोल रहा हूं। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, जैसे प्रथम सप्ताह है, प्रथम सप्ताह में क्या है, देखो गणित में हमने पहले याद करना कि हमने 32 चैप्टर बोला था, 32 चैप्टर का मतलब हुआ हर सप्ताह में हमें 2 चैप्टर करना है। तो चलिए, पहला सप्ताह को हमने ले लिया औसत का, इसमें 30 से 32 सवाल सीखेंगे, और LCM और HCF, लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक पे। तो हमने ये 100% फिक्स कर लिया कि इस सप्ताह में इधर उधर नहीं देखेंगे, हम केवल इन्हीं 2 चीजों पे कंसेंट्रेट करेंगे। और जो बोलते हैं गणित के बहुत सारे चीज हम भूल गए हैं, तो उनके लिए गणित के बेसिक है, तो चलिए इस पर भी बाद थोड़ा सा चर्चा बाद में करते हैं, पहले हम चीजों को और अच्छी तरह देख लेते हैं। अब देखिए, तर्क शक्ति है, तर्क शक्ति में आपने देखा ही होगा कि हमें टोटल 16 चैप्टर करना है। तो इस सप्ताह के लिए, पहले सप्ताह के लिए हमने रख लिया कि केवल हम कोडिंग और डिकोडिंग सीखेंगे या कूट लेखन सीखेंगे, और इसमें भी 50 तरह के सवालों को तैयारी करेंगे। फिर हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स में आते हैं, जनरल अवेयरनेस पे। तो देखिए, कहीं पर भी, फिर से मैं दोहराता हूं, आप कहीं नहीं दिखा सकते इस हिंदुस्तान में, कहीं नहीं, ये इस तरह करके हर सप्ताह का करके उसका लिए अलग से स्टडी मटेरियल बना के भैया पैसे देने के बाद भी नहीं मिलते हैं। अब देखिए, साप्ताहिक करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स तो मेरे आपको जानते हैं, अगर आप मेरे ऐप को यूज कर रहे हैं तो वहां पे हर दिन का होता है, लेकिन यहां आके टेस्ट देना है, वहां तो हर दिन सीख रहे हैं, यहां आके टेस्ट देना है। अब देखिए, इतिहास में इस सप्ताह में हमने इतिहास रखा हुआ है, तो पहले सप्ताह में तो उसमें क्या सीखेंगे, प्राचीन भारत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, मगध, ईसाई धर्म, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, शक, कुषाण, गुप्त साम्राज्य, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। जी हाँ, 1 घंटा करके हमने बोला हुआ है, 7 दिन देते हुए हम ल्यूसेंट का, ल्यूसेंट के 10 पेज को ऐसे तैयारी करेंगे वाट प्रोसेस में कि वाट लगा देंगे सबका। फिर आते हैं जनरल साइंस में, आते हैं जनरल साइंस में, देखिए ये पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और रक्त, ये 3 चीज को लेके हम सीखेंगे। मतलब यहां क्लिक करेंगे, अब ये लोड हो रहा है, तो यहां पे सारे मेरे को स्टडी मटेरियल्स, रिवीजन, ये क्या कहते हैं, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ जो तैयारी के लिए किसी की भी लिए जरूरत होता है। तो चलिए, मैंने पहले जो बोला उसके बाद देखिए दूसरा सप्ताह आएगा, आप जब तक तैयार होते रहेंगे तब तक देखेंगे कि ये दूसरा सप्ताह फिर लोड हो गया है। तो मतलब पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, इस तरह करके ये आपको हेल्प करता ही जाएगा। लेकिन एक बात की आप गारंटी मेरे से ले लीजिए, एक बात की गारंटी, कोई भी चीज अगर आपको सही लग रहा है, तो मैं अगर मतलब बिना पैसे की ये काम कर रहा हूं, तो मैं आपसे भी चाहूंगा कि 4 जन को आप शेयर करें। अगर मैं देखता हूं कि जो क्या बोलते हैं, कचरा लोग पैसे देके बेच रहे हैं, कचरा पैसे देके बेच रहे हैं, उनमें शेयर ज्यादा होता है, तो फिर मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हूं, आपके लिए मेहनत करूं, ये क्लियर कट है। तो मेरे जबान का कीमत वही है कि जब आप भी 4 जन को कर रहे हैं, वो भी 4 जन को कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे करने का उद्देश्य यही है कि पढ़ाई कैसे किया जाता है उस चीज को मैं दिखा पाऊं, और इतने ज्यादा फॉलोअर हो कि मैं भी बोलूं
कि हां मैं कुछ करता हूं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इसमें जो है आपके जैसे लोगों के बोलते हैं कि मेरे बेसिक ही तो मैं भूल चुका हूं। जी हाँ, इंजीनियर्स लोग भी बोलते हैं और कोई गलत नहीं है वो, क्योंकि जब वो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो उनके हाथ में कैलकुलेटर आ जाता है। तो बेसिक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं उनसे उनका नाता छूटने लगता है और यहाँ के एग्जाम में ये कभी कभी उनके लिए बड़ा हो जाता है। तो मैं अभी एक छोटे से चीज को यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। गणित के बेसिक में जब हम बात करते हैं वो मटेरियल्स कैसे रहते हैं, तो चलिए हम गणित के बेसिक्स पे आते हैं। जब गणित के बेसिक्स में हो आते हैं तो देखिए यहाँ पे एक स्लाइडिंग विंडो चल रहा है, ठीक है ना, और इसके नीचे देखिए आपका फ्रैक्शन पार्ट वन में दिया हुआ है, भिन्न का जोर घटाओ, मिश्र भिन्न का जोर घटाओ। इस वीडियो से जाने फिर प्रैक्टिस खुद से करें, यहां पे करेंगे तो सीधा आप यूट्यूब में या मेरी वीडियो या दूसरे किसी की वीडियो जो मेरे को लगता है कि आपको सीखने के लिए जरूरी है वो लगा हुआ रहता है। लेकिन आप पहले जो है ये वीडियो जो मेरी ही वीडियो है इसमें क्या क्या चीज है पहले आप इस स्लाइडिंग विंडो से देख लेते हैं। देखने के बाद आप खुद सोचते हैं कि 2/5 माइनस 2/3 माइनस 2/5 है, इसको क्या घटा सकते हैं? अगर आप देखते हैं कि घटा सकते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप देखने की बात करते हैं या समझ लीजिए कि नहीं भिन्न का जोर घटाओ तो मेरे को आता है, या काटना कूटना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अब काटने कूटने की बात जब आ जाती है भिन्न में तो ये भिन्न और मिश्र भिन्न का गुणा और भाग, यही दो प्रक्रिया है काटने का या इस तरह के चीजों को करने का। तो फिर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मतलब है कि यहां पे वीडियो का केवल लिंक नहीं दिया हुआ है बल्कि आप कौन वीडियो को देखेंगे उसके लिए वीडियो के सारे स्लाइड्स की जो पीडीएफ को आप कह सकते हैं स्लाइड के रूप में चलता है। तो नेचुरली इसके बहुत सारे काम होते हैं, नहीं तो नाहक जो आप पीडीएफ के पीछे दौड़ते हैं, पीडीएफ आप समझ लीजिए 2-3-4 पीडीएफ को अगर डाउनलोड करेंगे तो संभाल के रख सकें। जहां एक पूरी स्टडी प्लानिंग हो रही है, जहां 400 के ऊपर पीडीएफ है, वो भी आपके लिए एक समस्या बन जाता है। तो उसमें नेट का भी एक्सपेंस करते हैं पीडीएफ के लिए, और फिर जो है पीडीएफ का कोई इंडेक्स तो आप नहीं बना सकते ना, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि मैं खुद जब पढ़ाता हूं तो मेरे को भी कभी कभी चीजों को जरूरत होता है। पहले मैं आप ही की तरह पीडीएफ को रखता था लेकिन देखता हूं वो ठीक से अगर इंडेक्सिंग नहीं होता है वो भी ढूंढने में घंटे भर खर्च हो जाते हैं। तो इससे कहीं ज्यादा सही है ये स्लाइडिंग विंडो। तो कहने का मतलब है इस तरह करके हर सप्ताह के पढ़ाई को एक कंप्लीट, आप किसी अगर सोचिए आप किसी अगर इसमें पढ़ रहे हैं क्या कहते हैं किसी कोचिंग क्लास में, कोचिंग क्लास जैसी यहां वीडियो है कोचिंग क्लास भी वही करता है, लेकिन सारा चीज को ऑर्गेनाइज करके आपकी तैयारी में देने के लिए वो आप पे ही छोड़ा जाता है। तो यहां पर क्या है, आप ये ना सोचें कि आप कहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप चाहे गांव के अंदर हैं, किसी शहर में हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ऑर्गेनाइज करते हुए सारे चीजों को एक दिशा देते हुए आप जानते हैं कि 15 सप्ताह का आपकी खेल है, 15 सप्ताह का हर सप्ताह कितना क्या करेंगे स्पष्ट रूप से करते हुए आपको जंग में जिताता है। तो मुझे यही कहना था। तो फिर मैं आपसे फिर यही निवेदन के साथ करूंगा कि इसको देख के चल के नहीं जाएं, इस ऐप को पहले इंस्टॉल करें क्योंकि यहीं से शुरू होगी आपकी जीत की कहानी। तो चलिए आज इतना ही, आप लोगों ने वक्त दिया इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते हुए मेरे साथ जुड़े हुए रहिए कि जिससे आपकी मंजिल तक पहुंचने पे मैं कुछ आपको मदद कर सकूं। ओके देन, बाय बाय, जय हिंद।